गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड अब ये हम शुरू कर रहे हैं अपने व्लॉग को नारियल पानी के साथ। वेलकम टू अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज गेट फिट बाय साहेब। सो आज है संडे एंड आई एम हाइड्रेटिंग माई सेल्फ। अभी मैं फास्टेड स्टेट में हूँ। सो आज इट्स कार्डियो डे, आई एम गोइंग टू जिम फॉर कार्डियो। सो अब मैं आपको सीधा कार में मिलता हूँ। तो हम जिम जाने लगे थे और मैं नीचे आया क्योंकि मैं आज इसके साथ जा रहा था, तो ये अभी अपनी पेट पूजा करके बैठा हुआ है एंड थोड़ा सा ढीला हो गया है अभी जिम का सीन। एंड ये अभी अभी आया है, इसका मुंह देखो कितना मोटा हो गया आफ्टर दारू। एंड मेरा देखो बिल्कुल पिचक गया है। तो मैं थोड़ा सा फैट इसको देने वाला हूँ, ट्रांसफर करने वाला हूँ। नहीं यार थैंक यू, यू कैन यूज सम फैट। नहीं यार मेरी जो YouTube फैमिली है उनको मैं रिप पसंद हूँ। बात को समझा कर यार तू। सो गाइस अब हम निकल रहे हैं अपने जिम के लिए। अब मे बी हम जिम जाएं या ना जाएं वी आर थिंकिंग, क्योंकि आज कार्डियो डे है तो मे बी आई थिंकिंग टू गो टू पार्क। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क है लेजर वैली, सो वी आर थिंकिंग टू गो देयर फॉर कार्डियो। एंड ये हमारा हीरो रेडी हो चुका है पूरा पार्क के लिए भी। सो सनी वेयर वुड यू लाइक टू गो ब्रो? आई थिंक वी विल गो टू पार्क बिकॉज़ नेचर्स कॉलिंग। नेचर्स कॉलिंग या सो वी विल मीट यू एट नेचर्स कॉलिंग पार्क। भाई ये क्या हो गया? सो ये देखो भाई लोग, यहाँ पे पार्क की पार्किंग है इतनी बड़ी और यहाँ चल रहा है क्रिकेट। बड़ा शानदार, बड़े टाइम बाद ये व्यू देखने को मिल रहा है क्योंकि यूजली गुड़गांव में व्यू देखने को मिलता नहीं है। वाह भाई वाह, सामने भी भाई क्रिकेट चल रहा है। ओके रिपोर्ट, मेरा खुद दिल कर रहा है। सो गाइस वी आर हियर, हम आ गए हैं पार्क में। वी आर एट द लेजर वैली पार्क और जो यहाँ की ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम खाने वाले हैं भेलपूरी। भेलपूरी उसके बाद हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। हाँ क्योंकि प्री वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स शुड बी लोडेड ऑफ कार्ब्स। पूरे कार्ब से भरी हुई भेलपूरी। दैट वाज अ जोक, मैं आई एम स्टिल फास्टेड एंड अभी 11:15 होने वाले हैं एंड आई एम हियर फॉर अ वॉक एंड सनी इज जॉगिंग। ओए मिल गया मिल गया। सो सन्नी ने पूरे के पूरे 45 सेकंड जॉगिंग करी है। याद रखना आप लोग ये जो जॉगिंग करता है 45 सेकंड के स्प्रिंट मारता है, वो भी आई थिंक 2 की स्पीड पे। कम ऑन सन्नी। यस वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। कोयला काला है चट्टान। यहाँ वॉक करने का जो मजा है ना ये सर्दियों में ही है। गर्मियों में तो यहाँ पे आपका जो गर्मैश का लेवल है बॉडी का वो डबल हो जाता है। लुक एट द ब्यूटी गाइज, फ्रेश एयर एंड बहुत कम लोग हैं बिकॉज ये बहुत ऑड टाइम पे आए हैं हम। यूजली लोग सुबह 7-8 बजे आ जाते हैं या 6 बजे। हाँ सो ये हमारा गुड मॉर्निंग टाइम है क्योंकि वी बिलीव कि कोरोना टाइम पे आप जितने खाली टाइम पे आओ उतना अच्छा है। क्यों वीरो? Totally. Yeah. Yeah. या नहीं क्या? Old school. जो अंदर तरीका बोलिए नहीं। Old school. ये देखो बचपन की यादें ताज़ा, झूले एंड ऑल। ओह हाँ हैं यहाँ पे चिनप्स। ओके सो ये देखिए हम हैं सन किस्ट, धूप की पप्पी। भाई तेरे को नहीं लेनी धूप की पप्पी? मैं धूप की पप्पी नहीं, धूप मेरी पप्पी लेती है। ओह लाइक दैट। ओ भाई साहब यहाँ तो पूरा एक्सरसाइज का मूड बना दिया, चेस्ट की, बैक की,
ठीक है, ये क्या है भाई नौटंकी? ओह रोइंग क्रॉस ट्रेनर, वाह बड़ा तगड़ा देसी जुगाड़ है भाई। इसको देख के एक मेरी पुरानी मेमोरी ताज़ा हो गई कि बचपन में ये मैंने स्लाइड एक बारी करा था, ये यहाँ कहीं से कहीं छिला हुआ था एंड उसने मेरी पूरी जो पिछवाड़े की माँ बहन कर दी थी। मेमोरीज रिकॉलिंग, सनी ने ये चीज़ें कभी नहीं करी, स्टार्टिंग से ही बड़ा यू नो स्टार्टिंग से ही बड़ा हमारा घरेलू बच्चा रहा है। हाँ मेरा बच्चा पिछवाड़ा बस हमारा, ये देखो इसका पिछवाड़ा या सो इस पार्क में मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ एंड एक समस्या और पड़ गई है कि मुझे आ रहा है सुसु गली एंड यहाँ पे भाई टॉयलेट कहाँ पे है? टॉयलेट आई थिंक लेफ्ट, ये बहुत बड़ा पार्क है। ओ वो बना हुआ है, हमें मिल गया, हम आपको मिलते हैं सेंटर में टॉयलेट करने के बाद। ओके तो सनी ने हमारा सी काटा एंड हमें अभी भी नहीं मिला। सीधे 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 भाई चल, सीधे चल भाई, सीधे चल भाई। हम गुड़गांव में रहते हैं तो हमें थोड़ी हैरानी भी बोलनी पड़ती है, यू नो कोई हमें हरियाणा का ब्लॉगर या कोई हमें हरियाणा की ऑडियंस देख रही हो तो उनके लिए भी एक थोड़ी हरियाणवी लैंग्वेज। वाह क्या ब्यूटी है झंडे की, वाओ लुक एट द फ्लावर्स। कहाँ पे अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। क्या बताना चाहिए, जैसे ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम इसी पार्क में और यहाँ पे बस अभी चुम्मा चट्टी तो होती ही रहती है हिंदुस्तान की, तो बस आज जैसे ही संडे हैं तो संडे मना रहे हैं लोग संडे के साथ बहन जो मंडे ना कर जाए कहीं साहिब है फेक रनिंग कर रहा है वीलॉग के लिए, जबरदस्ती की रनिंग। ये देखो गाइस ब्यूटी ऑफ दिस पार्क, बस यहाँ पे टॉयलेट मिल जाए ना तो थोड़ी और ब्यूटी आ जाएगी। कोई बंदा बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है बट उसे हिला नहीं जा रहा है प्रॉपरली। ही इज ट्राइंग टू बॉक्स, ही इज अ बॉक्सर मैन, ही इज लाइक माय बॉक्सर। तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो, खाने को रोटी नहीं हो पहनने को कपड़ा नहीं होगा। चल सनी छलांग ना मारियो, देखो छलांगे मारने में बड़ा शौक है। ओके ये तो भाई वो वाला सीन हो गया, राम 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 राम। वेयर इज द बाथरूम ब्रो, आई वुड लाइक टू पी, नहीं तो मैं इधर ही कर दूंगा बिकॉज ये भी एक नेचर का पार्ट है, नेचर इज कॉलिंग मी ब्रो। सो ब्यूटीफुल वेदर एंड ब्यूटीफुल वेदर में बहुत ही ब्यूटीफुली हम टॉयलेट हो गए हैं एंड नेचर की जो ब्यूटी है दोबारा से हम सन पपीट हो गए हैं। सन पपीट नेचर का लुत्फ उठाते हुए, लुत्फ 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 Whatever. ये देखो गाइस यहाँ पे भूत वर्कआउट करते हैं क्योंकि अपना अपना शौक है और इंसान भी। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो इतना मोटिवेटेड बंदा कि सैडलों में रनिंग करने आ गया। सो यहाँ आपको पार्क में हर प्रकार का प्राणी मिलेगा। आईफोन ने ब्यूटी बढ़ा दी। अच्छा Wow. What a beautiful brother I have. कितना ब्यूटीफुल है यार तू। क्या कह रहा था सनी शहर के बारे में? मैं कह रहा था कि सैर करना बहुत जरूरी है। अच्छा और थोड़ा खाएं पिए कम सैर ज्यादा करें। अच्छा बस। So guys, ये थी सनी की तरफ से एक मोटिवेशनल स्पीच। yes. अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो इसको भी सब्सक्राइब कर देना, इसका बीच मसल गेमिंग है चैनल का नाम। अपना प्राय यार भी सपोर्ट करो यार। सन्नी की मोटिवेशनल स्पीच से मैं इतना मोटिवेट हो गया कि अदरा तेन पप्पी कराया वहां मेरे प्रा पेशाब वाले।
इसको कट करना पड़ेगा आई थिंक सो। सो गाइज लुक एट द ब्यूटी एंड यहाँ पे बीच की फील लेते हुए बंदा भी लेटा हुआ है, पूरा पूरे फील ले रहा है लड़का। सो गाइज हमें यहाँ पे आज कम से कम 3-4 लवर्स दिख चुके हैं, बट यार आजकल पार्क में आने की जरूरत है व्हेन यू हैव ओयो। सो गाइज दैट वाज द प्रमोशन फॉर ओयो रूम्स, ओयो का एमडी है तो हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ ओके ओके, बट इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे डायरेक्ट यहाँ पे सनलाइट आ रही है, नेचर है, तो जो नेचर और घासों के अंदर जो मजा है वो ओयो रूम में हमें नहीं मिलता। हाँ, जो झाड़ियों का, मैं रेकमेंड करूंगा, ये मेरी दरख्वास्त है कि पार्क को पार्क रहने दें। नहीं 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 नहीं, आप गलत चले गए। जो ओयो रूम्स के एमडी हैं, आप अपने रूम्स में कुछ फेक ग्रास टाइप कर सकते हैं ताकि थोड़ा जो लवर्स को जो मजा आता है घासों में वो उसका वो मजा लेते रहें। और हाँ बस यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा ओहो, आई एम सन पपीड अगेन। तो एक टाइम होता था कि जब आई यूज टू हेट फिटनेस लिटरली, एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आज से आई थिंक ये तो 10 साल पहले, क्यों इतना तो हो गया होगा, जब मैं बहुत मोटा था, आई वॉज अ फैट एज, मेरा नाम इन्होंने बड़ा बेकार रखा हुआ था। सो बेसिकली अब जो एक मोटिवेशन मेरे अंदर है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी फिट, दो आई वॉज हंग्री, मैं सुबह उठा मेरे को भूख लग रही थी, बट स्टिल आई मैनेज टू कीप माई सेल्फ फास्टेड। मैंने रात को आई थिंक सो 8:30 बजे अपना डिनर ख़त्म कर लिया था एंड अभी 11:40 हो रहे हैं, सो ऑलमोस्ट 15 घंटे तो हो ही चुके हैं मेरी फास्टिंग को एंड आई एम डूइंग फास्टेड कार्डियो एंड टॉकिंग टू यू पीपल, मेकिंग व्लॉग्स फॉर यू पीपल। सो मेक फिटनेस योर प्रायोरिटी, एक मेरा छोटा सा मैसेज है। आई यूज़ टू बी वेरी फैट एंड वो टाइम बहुत गंदा था, एंड इफ़ आई ऑनेस्टली टेल यू, बहुत छोटी उम्र में मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया था कि आई यूज़ टू फील सो डीमोटिवेटेड एंड कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं था, जीरो कॉन्फिडेंस। एंड मतलब एक, इट इज़ नॉट अबाउट कि लड़कियों के लिए पतला होना, इट इज़ अबाउट कि जब आप मोटे होते हो यू लुक भद्दा, एंड जब आप भद्दे लगते हो तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक करता है। सो मैंने तो यार अपनी लाइफ के अंदर सारी स्टेजेस देख ली हैं, फैट लॉस करते हुए, मतलब जब मोटा था, मोटे से जब 130 से आया मैं जब 78 पे, तब मेरी स्किन लूज़ हो गई, फिर उसके बाद दोबारा गेन करा वेट, 103-4 पहुंच गया, फिर दोबारा से लूज़ करके 78, अब मेरे ख्याल मैं 76 हूँ बट विद एब्स। सो दिस इज़ द बेस्ट स्टेज, बिलीव मी। अगर आप लोग अभी भी सोचते हो कि यार फिटनेस कुछ नहीं है, आलस आता है, कुछ है, एक हफ्ते की बात होती है, एक हफ्ते के बाद पूरी आदत डल जाती है। सो स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, अगर एक्सरसाइज करने का नहीं दिल करता जैसे वर्कआउट्स एंड ऑल, पार्क में रनिंग और जॉगिंग शुरू करो, जिससे कुछ ना कुछ तो आपकी वेट में फ़र्क आए, एंड स्टार्ट ईटिंग क्लीन। ये गाइस आई डोंट नो इसको क्या कहते थे, सॉफ्टी कहते थे या कॉटन वाले जो भी बॉल्स कहते थे, कॉटन कैंडी। हाँ हाँ, ये मेरे को बड़ी पसंद थी बचपन में और मैं इसको ना छुप छुप के खाता था, और पॉपकॉर्न भी है। हाँ, इसको मैं छुप छुप के खाता था, उसका रीज़न ये था कि मेरे पेरेंट्स ना मेरे को गोला खाने देते थे बाहर का, ना मुझे ये कॉटन कैंडी खाने देते थे, क्योंकि कहते थे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए कुछ। सो कई चीज़ें अभी भी याद हैं बचपन की, बड़ी पुरानी पुरानी। किसी को भी फैट लॉस करना है तो छोटी सी टिप है, अगर आप लोगों ने मुझे देखा भी हो मेरे व्लॉग्स में भी, मैं फास्टेड कार्डियो पे बहुत ध्यान देता हूँ, आप लोग भी फास्टेड कार्डियो की रूटीन शुरू करो, चाहे आधा घंटा करो और एक घंटा जो कर सकते हैं घंटा करो, फैट लॉस की जो आपकी बर्निंग रेशियो है इट विल इंक्रीज़, उसको भी मैं आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा एक वीडियो एक प्रॉपर बना के। सो तब तक के लिए आप शुरू तो करो, शूटिंग भी चल रही है, प्री वेडिंग शूट और जो भी, आई डोंट नो, ओप्स इट वाज अ प्रेगनेंसी शूट एंड हमें लगा वेडिंग शूट है, बट दो क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों भाई
लुक एट द ब्यूटी गाइस, लुक एट द ब्यूटी। और वो ऊपर हमारा सूरज और ये है हमारा यहाँ पे सनी। हे लवर्स मेकिंग लव, यू ऑल्सो वॉन्ट टू मेक, वाई डोंट यू मेक लव? तो गाइस ये पार्क इतना बड़ा है कि हम रास्ता ही भूल गए कि हमने मेन पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, मेन पार्किंग का जो रास्ता ही नहीं मिल रहा हमें। एंड वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट डन विद 4 किलोमीटर। मेन पार्किंग किधर है भैया? चलो शुक्र है मिल गई, तो भूख भी लग रही है यार। खतरों के खिलाड़ी। ओके गाइस नाउ मिलते हैं गाड़ी के अंदर सीधा ही। ओह फाइनली हमने करा है 4.19 किलोमीटर्स कवर 52 मिनट्स में, दैट वाज गुड। टाइम टू हैव सम EAA। मजा आ गया यार। सो गाइज होपफुली आप लोगों को आज मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी जरूर देके जाना। तो आज मजा तो बहुत आया, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने व्लॉग देख ही लिया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।